देखिए, मुझे टीवी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ज़्यादा जानकारी है, पर लोगों को देखा है और लोग ऐसी लोगों के साथ घृणा सी करने लगते हैं कि छुआछूत वाली बीमारी है, बल्कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा नॉलेज टीवी के बारे में है, ये होता है हमारे नशीली चीज़ों के खाने से, जैसे तम्बाकू निकोटिन खाने से या फिर बीड़ी सिगरेट पीने से। दो हफ्ते तीन हफ्ते खांसी चल रही है, तो उसको सोच लेना चाहिए कि हमें खांसी का इलाज करना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए टीबी हॉस्पिटल, डॉक्टरों को दिखाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमें खांसी चल रही हो तो टीबी की बीमारी हो सकती है। हमारे एक परिचित वालों को पहले टीबी हुई थी, तो हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया था अपने टीबी हॉस्पिटल में। उसके लिए उनको बहुत जम से सर्दी हो गई थी, मतलब सर्दी बिगड़ती गई, निमोनिया हो गया उनको, बुखार आया, काफ़ी दिन तक बुखार रहा, वीकनेस आती रही, भूख नहीं लगी उनको खाने में। तो फिर उनको दिखाया, एक्सरे करवाया चेस्ट का, तो उसमें टीबी, मतलब फेफड़ों में पानी वगैरह बताया। तो फिर उनका ट्रीटमेंट चला, करीब 6 महीने तक ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो क्लियर हो गए। तो क्षय रोग एक ऐसा रोग है जिसको टीबी भी बोलते हैं, तो इस टीबी का जड़ से इलाज खत्म हो सकता है यदि समुचित तरीके से व्यक्ति इलाज करवाए। और मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनभिज्ञता की वजह से, टीबी की सही जानकारी ना होने की वजह से, व्यक्ति बीच में उसका ट्रीटमेंट खत्म छोड़ देता है, फिर उसके बाद जब दोबारा उनको फिर टीबी हो जाती है, तो फिर बड़ी मुश्किल से व्यक्ति उसको कवर कर पाता है, और कई कई व्यक्ति तो उसमें एक्सपायर भी हो जाते हैं। यक्षमा या क्षय रोग एक प्रकार का संक्रमण होता है जो धीमी गति से बढ़ते माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। टीबी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। दुनिया में हर साल करीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। भारत में हर साल लाखों लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। आइए देखते हैं इस बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति की कहानी। मैं खुराई का रहने वाला हूँ और मैं 6 महीने से बीमार हूँ। 6 महीने पहले मुझे खांसी चलती थी और मेरी सांस फूलती थी। 4-5 महीने पहले मुझे खांसी के साथ खून भी आया था। फिर मैंने झांसी में अपना इलाज करवाया। पहले वहाँ दवाइयाँ ली मैंने, उनसे मुझे आराम भी मिला। फिर दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और मैं फिर से बीमार हो गया। फिर वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे सागर में इलाज करवाने की सलाह दी और मैं सागर में अपना इलाज करवाने के लिए आया। यहाँ मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने मेरा एक्सरे करवाया है और अभी रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पुरानी दवाई लेना मैंने बंद कर दिया है, उनसे मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा था और वो काफ़ी महंगी भी थी। टीबी का अधूरा इलाज लेने पर और सही समय तक सही मात्रा में दवा ना लेने पर दोबारा टीबी हो सकता है। अगर रोगी नियमित दवा लेते हैं तो यह रोग आसानी से काबू में लाया जा सकता है। इस समय सबसे ज्यादा एक ग्रुप यंग सबसे ज्यादा है, मतलब एक अंदाज़ 24 to 45-50। जैसे इतना क्यों स्प्रेड हो चुका है, एपिडेमिक क्यों ले लिया है, तो मेरा ये कहना है कि चूंकि ये सांस की बीमारी है, हवा से फैलती है, हवा में जो आपने ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई है वो सर्कुलेट हो रहे हैं टीबी पेशेंट के द्वारा। तो अपन ये भी जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 माह और अगर रेजिस्टेंस केसेस है तो उसमें 12 से 18 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। कई बार होता है कि पेशेंट जो है एक तो अनडायग्नोज रहता है, डिले इन डायग्नोसिस, फिर अगर उसका ट्रीटमेंट कंप्लायंस सही नहीं रहता है वो बीच में अपना इलाज छोड़ देता है।
जहां एक तरफ संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है, वहीं सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में तत्पर हैं। अपन जो मेडिकल फील्ड पे काम कर रहे हैं तो इसके तो इन्फेक्शन होने के चांसेस तो ज़्यादा रहते ही हैं, क्योंकि हर कोई मतलब यहाँ स्वस्थ आदमी तो आएगा नहीं, जो पेशेंट रहेगा बीमार रहेगा वही आदमी आएगा, उससे होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। पर यह है कि प्रिकॉशन अपन जितना ज़्यादा अच्छे से रहेंगे वो अपन बचे रहेंगे। कॉस्टली और जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट को झेलना पड़ता है, तो कम्युनिटी में अगर एक बार ये मैसेज स्प्रेड हो गया कि यस अगर खांसी है 2 सप्ताह तक तो हमें बिल्कुल स्पुटम की जांच जरूर करानी चाहिए, उसके बाद जो ड्रग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो डॉक्टर एडवाइस दे रहा है उसमें जो है पेशेंट को उनके परिवारजनों को ध्यान देना है। इसी तरह सरकार और लोग और हम सब हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलकर The government, doctors and healthcare workers are putting their best efforts to curb the TB crisis. Let's join hands against this disease.